जो थर्ड शिफ्ट का जो 9 तारीख का एग्ज़ाम था वो छूट गया है, और आप कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा सा रिव्यू मिल जाए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। आप ये देखिए, डीआरडीओ का थर्ड शिफ्ट, भैया बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे? भैया बहुत कठिन क्वेश्चन आए सारे। कुछ याद है? कुछ याद है किससे किससे उठाया था? पेपर मॉडरेट लेवल का था, एज आईटीआई अगर आपने अच्छे से किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आप अच्छे से कर सकते हैं। पेपर कठिन नहीं था, मॉडरेट था। और टेक्निक नॉन टेक्निकल का भाई जी? नॉन टेक्निकल मॉडरेट। करंट अफेयर्स याद है कुछ? करंट अफेयर्स में यही जनरल चीजें पूछी गई थी। क्या पूछा था? 5G टेक्नोलॉजी में किस संस्थान ने किया है? बेंगलोर IIM और उससे इंग्लिश के कौन सा खेल किस जगह से संबंधित है, ये इस चीज के बारे में भी न्यू अपडेट केवल इसमें थी। अच्छा, पेपर मॉडरेट। और इंग्लिश कैसी आई थी भाई? इंग्लिश बिल्कुल मॉडरेट लेवल की थी। अगर आप नरेशन वगैरह आए, नरेशन वगैरह आए थे, पैसिव वाइज आए थे, स्पॉटिंग एरर्स आए थे, इस टाइप का अगर आप पूरा पूछ लिया यार फिर तो। हाँ बिल्कुल पूछा था, हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ उठाया जरूर। हिंदी तो था ही नहीं। अच्छा, और उससे रीजनिंग कैसी थी भाई? रीजनिंग मॉडरेट, ब्लड रिलेशन था, मैथ बहुत कम, ब्लड रिलेशन हर एक पार्ट से इन्होंने कुछ ना कुछ उठाया जो इम्पोर्टेंट पार्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। 9 तारीख का थर्ड शिफ्ट का बताएंगे कैसा आया भैया टेक्निकल का? पेपर तो मतलब पढ़ा होगा जिसने तो उसका तो हो जाएगा भाई जी, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, और फिर भी जो है ठीक ठाक हो गया है, मतलब निमी और जो नहीं था 12 स्किल से उससे एक भी क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन सिर्फ मिले हैं हमें, प्लाईवुड कितने जो कारपेंटर का हम बता रहे हैं, और रही बात जो है टेक्निकल का हम अपना बता रहे हैं। टेक्निकल में क्या था कि सारी कुछ मतलब ठीक ठाक का, और जितना एलिगेशन, मिक्सर, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, और उसमें क्या कहते हैं मतलब सब करंट अफेयर्स ठीक ठाक थी। कुछ क्वेश्चन याद पूछा? हाँ, एक पूछा गया था कौन था, बुकर प्राइज पूछा था, बकर का। अच्छा अच्छा, और भैया और इंग्लिश और बस इंग्लिश का कुछ याद है? इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन? इंग्लिश में नरेशन एक था, एक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज था, और एरर आई थी। हां मिस और वो भाई एम आई ए बता दिया था भैया ने। अच्छा वो क्या कहते हैं कि रीजनिंग कैसा था भाई? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग के लेवल जो है ठीक ठाक था, रीजनिंग के लेवल जो है अच्छा खासा आया हुआ था, मॉडरेट था कि मॉडरेट था, और नॉन वर्बल एक को नहीं आई थी, वर्बल से ही था। आज आपका लास्ट, इसके बाद भी पेपर है? इसके बाद भी अभी पेपर है, और अभी टर्ना डेट का लगा हुआ है, इसके बाद कल मेरे भाई का भी है ना, वो ठीक ठीक थैंक यू। बताएंगे भाई कैसा आया तो बताओ टेक्निकल का? टेक्निकल का ठीक था, मेजरमेंट से था, टूरिस्ट के बारे में पूछा था, और आपका स्टार्टिंग में लास्ट में पूछता है लकड़ी के बारे में, पूछता है कैसी वुड है, कैसी लकड़ी है। हाँ ये और नॉन टेक्निकल का याद है भाई? नॉन टेक्निकल में थे, परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से था, फाइव टंकी से थे क्वेश्चन। करंट अफेयर्स कुछ याद है? अफेयर्स का एक क्वेश्चन था बट याद नहीं मुझे था। अच्छा, इंग्लिश कैसी आई थी भाई? इंग्लिश भी ठीक, कॉमन था। और रीजनिंग भाई? रीजनिंग भी थी, सिंपल थी रीजनिंग, सिंपल आई थी।